मेरा नाम फारिहा बिनते हकीमुल्ला है। मैं IER इन इस्लामिक एजुकेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ, इनकी तंजीम से। और हमारी तंजीम का जो मकसद है वो यही है कि हम दीन इस्लाम का, कुरान का पैगाम फैलाएँ और इंसानियत को अमन और शांति की तरफ बढ़ाएँ। आज अभी आपने गोरखपुर में एक प्रोग्राम किया है जी, क्या मकसद क्या है आपका इस प्रोग्राम से? देखिए, आज का जो मॉडर्न एरा है, मौजूदा हालात चल रहे हैं, तो दीन इस्लाम जब कुरान का नुज़ूल हुआ उसी वक्त से दीन इस्लाम ने इंसानियत से, हम मुसलमानों से कुछ डिमांड किया। अल्लाह ताला ने हमें इस मकसद के लिए चुना कि हम इस अमन भरे पैगाम को आम फैलाएं, और ताकि जो क्राइम्स हैं, जो मुसीबत है, जो इंसानियत जिस परेशानी में जूझ रही है, हम उससे लोगों को निकालें। तो इस मकसद के लिए हमें भेजा गया। अब आज के मॉडर्न एरा में क्योंकि हम थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल से हट गए हैं और कुरान के पैगाम से दूर हो गए हैं, तो मेरा मकसद ये था कि जो भी हमारी मुस्लिम ख़वातीन हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों का फिर से एहसास करें, वो कुरान के उस पैगाम को जानें और फिर उससे अपने बच्चों की तरबियत का ख्याल रखें और जो भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ उसको बेहतर तरीके से निभा सकें। क्या आपको लगता है इस तरह के प्रोग्राम्स करने में आपको कुछ कामयाबी मिलेगी या कुछ इसमें रिज़ल्ट आए आपके पास अभी तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़ल्ट भी सामने हैं। पहली बात तो अल्लाह ताला का जो काम है, अल्लाह ताला ने जिस ज़िम्मेदारी पर हमें रखा है, हम ये उम्मीद करते हैं कि जब हम उस राह पर चलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। दूसरी बात ये कि जो रिज़ल्ट दिख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लड़कियाँ पहले से बहुत अवेयर हो रही हैं और इस तरह से काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने शहर इलाहाबाद में भी देखते हैं और उसके बाहर भी देखते हैं। मैडम, इस वक्त हिंदुस्तान में एक मामला चल रहा है तीन तलाक को लेकर जी, इस पे आपकी क्या राय है, किस तरह से होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, या सरकार को, गवर्नमेंट को इसमें आना नहीं चाहिए? देखिए, तलाक का जो मैटर है ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, ठीक है। और तलाक अल्लाह ताला ने सिर्फ एक राह निकाली है, यानी अगर मर्द और औरत के दरमियान इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं कि अब उनका रहना दूभर हो जाए एक साथ, तो एक राह निकाली है कि ये अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो तरीक़ा है इस्लाम का, अगर आप उसको सुनेंगे, आप उसको समझेंगे, तो आपको लगेगा तलाक की नौबत ही नहीं आएगी। क्योंकि जिस तरह से इस्लाम ने बताया कि अगर शौहर और बीवी के दरमियान कोई प्रॉब्लम्स आएँ तो पहले वो बैठकर डिस्कशन करें, शौहर बीवी को समझाए, इस तरह से फिर बात बड़ों में रखी जाए, जब ये सारे मामला वाइंड अप हो जाएं और तब भी लगे कि अभी भी कोई राह नहीं निकल रही है, तो अल्लाह ताला ने एक राह रखी है।